जितने भी बड़े लोग होते हैं उन्हें अपनी जिंदगी बड़ी अजीज होती है, इसीलिए ये अपने साथ सिक्योरिटी का एक बड़ा काफिला लेकर चलते हैं। आज की वीडियो में भी हम आपको दुनिया के चंद ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिनके हाईली सिक्योर्ड काफिले में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नंबर 6, द पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस के बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे क्योंकि उन्हें मीडिया में आने का कोई शौक नहीं है। ये पूरी दुनिया के कैथोलिक चर्चेस के हेड हैं और क्रिश्चियन मजहब में इन्हें बड़ी ही इज्जत की निगाह से देखा जाता है। जितनी बड़ी ये शख्सियत हैं उतनी ज़्यादा है उनकी हिफाजत करना। इस काम के लिए दुनिया के बेहतरीन सोल्जर्स को चुनकर एक आर्मी बनाई जाती है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ पोप फ्रांसिस की हिफाजत करना है। वैसे देखने में तो ये आर्मी पुराने दौर के कपड़े पहनती है, पर इनकी महारत और जंगी सलाहियत किसी गुरीला फोर्स से कम नहीं होती। ये किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। चूँकि पोप को लोगों से मिलना जुलना और उनसे बातें करना अच्छा लगता है, इसीलिए वो कभी कभी प्रोटोकॉल की परवाह किए बगैर लोगों में घुल मिल भी जाते हैं और उनकी तरफ से अपने गार्ड्स को हदायत की गई हैं कि किसी भी आम इंसान से बदतमीजी नहीं करनी। नंबर 5, व्लादिमीर प्यूटन। अब बात करते हैं दुनिया के 62 तरीन शख्स और रशिया के सदर व्लादिमीर प्यूटन की। आपको ये भी बताते हैं कि प्यूटन रशिया के सदर बनने से पहले एक सिक्योरिटी अदारे के इंचार्ज थे। यही वजह है कि इनके दुश्मनों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। और वैसे भी आपको पता है कि रशिया और अमेरिका में भी मुँहमारी होती रहती है, इसलिए दोनों ममालिक के सरबराहान को अपने तहफ़ करना पड़ता है। प्यूटन की सिक्योरिटी टीम में 500,000 नहीं बल्कि पूरे 3,000 सोल्जर्स मौजूद हैं। ये सारे के सारे वेल ट्रेंड हैं और इन्हें इस बात का अच्छे से अंदाज़ा है कि सिक्योरिटी के मामला कैसे हैंडल करने हैं। सदर प्यूटन ने जब कहीं जाना होता है तो पहले से ही उस रास्ते को सील कर दिया जाता है और मुकम्मल तौर पर उस इलाके की स्कैनिंग की जाती है। एक खुफिया टीम किसी भी हमले की सूरत में सदर को पहले से ही इतला दे देती है। जिस गाड़ी में ये सफ़र करते हैं वो बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ बम प्रूफ भी होती है। कहा जाता है कि सदर साहब अपनी सिक्योरिटी टीम को इतने ज़्यादा पैसे और कारें वगैरह देते हैं कि कोई और इन्हें रिश्वत देकर खरीद ही नहीं सकता। नंबर 4, जो बाइडन। अब बात करते हैं रशिया के जानी दुश्मन और अमेरिका के नए सदर जो बाइडेन की। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप शहाना प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल यही असूल जो बाइडेन ने भी अपनाया हुआ है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका दुनिया के नज़दीक सुपर पावर है और सुपर पावर के सदर की सिक्योरिटी पर किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जा सकता। इनकी सिक्योरिटी टीम में 1,000 जवान भर्ती किए गए हैं। इसमें एक क्विक रिस्पांस टीम भी है जो किसी भी मसले के पेश नज़र फौरन से रिस्पांस करती है। बाकी बातें छोड़िए, पहले सदर की गाड़ी पर एक नज़र डालिए। ये कैडिला कंपनी की एक लीमो है जो बॉम्ब प्रूफ है। इसे द बीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके दरवाजे 6 इंच मोटे और मजबूत मटीरियल से बनाए गए हैं। गाड़ी के अंदर सदर के ब्लड ग्रुप वाली खून की बोतल, ऑक्सीजन सिलेंडर और फर्स्ट एड बॉक्स 24 घंटे मौजूद होता है। गाड़ी का ड्राइवर CIA का एक ट्रेंड ऑफिसर होता है। इसे ड्राइविंग की मुकम्मल स्किल्स सिखाई जाती हैं ताकि अगर कहीं गाड़ी पर अटैक हो भी जाए तो ये सदर को वहां से सही सलामत लेकर निकल सके। नंबर 3, क्वीन एलिजाबेथ 2। शाही घराने के मलिका भी बाकियों की तरह अपनी सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करती। हत्ता के शाही घराने की हिफाजत के लिए अलहदा से एक पूरा सिक्योरिटी अदारा बनाया गया है जिनका यूनिफॉर्म लाल रंग का होता है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ इस घर के लोगों को सिक्योरिटी फ्राहम करना है। मलका एलिजाबेथ पूरी दुनिया में ट्रैवल करती हैं। इन्हें लोगों से मिलना जुलना भी काफ़ी पसंद है। इसके लिए इनकी सीक्रेट टीम उस इलाके की पहले से ही अच्छी तरह से छानबीन कर लेती है। इनकी गाड़ी के इर्द गिर्द स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस का एक पूरा दस्ता होता है जो इन्हें कवर करता है। किसी हमले की सूरत में मलका को वहाँ से सही सलामत निकालने का प्लान भी पहले से ही बना लिया जाता है। और तो और प्रिंस जॉर्ज को भी स्कूल छोड़ने पुलिस वालों का पूरा टोल आ जाता है। नंबर 2, मोहम्मद बिन सुलेमान। सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सुलेमान और उनकी सारी फैमिली को न सिर्फ मुस्लिम बरादरी बल्कि पूरी दुनिया इज्जत की निगाह से देखती है। ये सऊदी अरब के सारे मामलों को कंट्रोल करते हैं। पहले तो इनकी सिक्योरिटी के अंदर 1,000 अफराद तैनात थे, मगर बाद में इन पर एक सहाफ़ी के कत्ल का इल्ज़ाम लगा जिसकी वजह से इनकी जान को खतरा बढ़ गया। लिहाजा इन्होंने 800 अफराद मजीद अपनी सिक्योरिटी टीम में शामिल कर लिए। इसमें न सिर्फ कमांडोज के ट्रेंड लोग मौजूद हैं बल्कि साइबर एक्सपर्ट्स भी मौजूद होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी सऊदी वली अहद शहजादा सुलेमान कई मुल्क से बाहर जाते हैं तो उनके पहुंचने से पहले ही इनकी गाड़ियां वहां पहुंच चुकी होती हैं। इसके अलावा उस मुल्क के सिक्योरिटी इंतजाम भी इनकी टीम ही संभालती है। नंबर 1, किम जोंग उन। अब बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसे सियासी फील्ड में सबसे पुरस्कार कहा जाता है।
किम जोंग ऑन नॉर्थ कोरिया के सदर हैं, ये हर बार इलेक्शन में खुद ही जीतते हैं क्योंकि ये इतने ताकतवर हैं, ना ही कोई इनके खिलाफ खड़े होने की सलाहियत रखता है और ना ही कोई इनके अलावा किसी और को वोट देता है। इनकी सिक्योरिटी के लिए 5-10 हज़ार नहीं बल्कि पूरे 90 हज़ार जवान होते हैं, जिनमें कमांडो समेत मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट्स भी शामिल होते हैं। ये नहीं चाहता कि कोई मेरे खिलाफ बात करे, इस पर कई बार कातलाना हमले भी हुए जिसकी वजह से यह अपनी सिक्योरिटी को दिन ब दिन मजबूत करता जा रहा है। एक और बात यह भी कि यह हवाई सफ़र में भी अपने साथ 2-1 जैसे जहाज़ लेकर जाता है और पायलट तक को पता नहीं होता कि किम जोंग किस जहाज़ में सवार है। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आप इनकी सिक्योरिटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।